अस्सलाम वालेकुम चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट और उसके साथ स्पेशल राइस हैं जो कि वेज राइस हैं और स्टीम रोस्ट के साथ सर्व किए जाते हैं शादियों में। ये शादियों की ख़ास डिश है। अगर आप घर में ये इंजॉय करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को कम्प्लीट देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने दो पीस आप देख सकते हैं लेग और थाई के ले लिए हैं और इनके अंदर कट्स लगा लिए हैं। इसकी बैक साइड पर मैंने सिर्फ एक कट लगाया है और लेग पे तीन लगाए हैं और ऊपर वाली साइड पे आपने ज़्यादा कट लगाने हैं। और अब हम इनको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। चार मिनट एक साइड पे फ्राई किया है, चार मिनट के बाद साइड चेंज कर दी है और दूसरी साइड पे फ्राई किया है चार मिनट और ये दोनों का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 5 खाने के चम्मच दही लिया है। दही के अंदर आपके एक्स्ट्रा पानी हो तो उसे निकाल दीजिएगा। इसमें डालें 1/2 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/2 चाय का चम्मच हॉट सॉस, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और ये थोड़ा सा येलो कलर डाला है। अच्छे से मिक्स करके इसकी मैरिनेशन कर देंगे। हल्दी जो है वो पहले स्किप हो गई थी तो अच्छे से मैरिनेशन कर देंगे इसकी और इसको कम अज़ कम 15-20 मिनट के लिए रखें। अगर आप ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पूरे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया है। अभी मेरे पास एक स्टीमर है, इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा देंगे, इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और सेंटर में इसको पकड़ने के लिए मैंने नाइफ़ के साथ जो है वो एल्युमिनियम फॉइल में सुराख कर लिए हैं और एल्युमिनियम फॉइल के अंदर थोड़े से नाइफ़ के साथ कट्स भी लगाने हैं ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए और इसमें ये रख देंगे। और पानी मैंने देखची में गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी हल्का हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम ये पीसेस के अंदर रख देंगे और जो ये मैरिनेशन में एक्स्ट्रा मसाला है ये सारा इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर सफ़ेद तेल छिड़क देंगे। देखची में ये स्टैंड रखें और क्योंकि ये स्पेशल स्टीमर नहीं है तो मैं देखची में स्टैंड रख के इसमें कुछ साबुत गर्म मसाला डाला है और साबुत गर्म मसाला डालकर ये स्टीमर इसके अंदर रख देंगे और एल्युमिनियम फॉइल की दूसरी लेयर मैंने काट कर इसके साथ इसको कवर किया है। आप यहाँ बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन कवर अच्छे तरीके से करना है वरना वहाँ से स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहेगी। 45 मिनट में चिकन स्टीम हो चुका है। अब इसकी चावल की तैयारी करेंगे। इसमें 1/2 कप घी में 1 स्लाइस प्याज डाला है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ और साथ ही इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच हल्दी और 1/2 चाय का चम्मच सूख मिर्च डाल दें। थोड़ा सा पानी डालें, इसको मिक्स करें। एक आलू ले लें मीडियम साइज़ का, उसको क्यूब काट लें। 1/2 कप मटर डाल दें और 1 ही गाजर क्यूब्स करके डाल दें। आप इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला। बस इसको मिक्स करेंगे। इसमें 1 कप पानी डालकर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्जियां पक चुकी हैं और अब इसमें तकरीबन 3 कप पानी डालेंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। इसमें 2 अदद सब्ज मिर्चें साबित ऐड की हैं और 2 कप चावल थे। ये कायनात स्टीम राइस हैं जिनको मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसमें ऐड कर देंगे। इसको 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे चावलों को और जब चावल बॉयल हो जाएं तो अब इसको कवर करके तकरीबन दम देना है 15 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब चावलों का पानी ड्राई हो जाए तो इसमें येलो कलर डाल दें और दोबारा दम दे दें। 15 मिनट दम देने के बाद हमारे चावल तैयार हैं। इसको स्टीम चिकन के साथ और रायते के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। आपको बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।